नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज और मैं हूं आपके साथ गणेश। इटावा में कांग्रेस युवा सदस्यों ने बेरोजगारी दिवस मनाया। इस दौरान डिग्री धारकों ने सब्जी व फलों के ठेले लगाकर प्रदर्शन किया, वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इटावा युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस मनाया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और डिग्री धारकों ने सब्जी व फल की ठेले लगाकर प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव व इटावा सदर विधानसभा के दावेदार चंद्रमोहन तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष बेरोजगार युवाओं को देने का वादा किया था। युवाओं को रोजगार तो दे नहीं पाए बल्कि 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार ही कर दिया। इसलिए हम युवा साथी मिलकर आज के दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। लोग जो है आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, उसमें वो विफल रहे हैं बुरी तरह। रोजगार तो छोड़िए, यहाँ बेरोजगारी का ये आलम है कि करीब 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कई संस्थाएं जिनमें वैकेंट है सीटें, इनको भरने में भी सक्षम नहीं है ये सरकार। इसके लिए हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और युवा कांग्रेस इसके लिए मैदान में खड़ी है। युवाओं बेरमो विधायक प्रतिनिधि सह राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के कथारा क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह जी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।